जो बाइडेन चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो बाइडेन ने यह फैसला किया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अमेरिका के चुनाव से जुड़ी हुई बता रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जो बाइडेन की तबीयत को लेकर थोड़ा सा सस्पेंस था, लेकिन जो बाइडेन ने पत्र लिखकर यह ऐलान किया है कि जो बाइडेन ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका के हित में मैंने ये फैसला लिया है कि यह चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि जो बाइडेन ने यह फैसला किया है कि वो ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अब उनकी जगह पे कोई और चेहरा आएगा जो डेमोक्रेट्स को रिप्रेजेंट करेगा। रिपब्लिकन के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप, उनकी तरफ से चीजें क्लियर हैं, उनके भाषण भी आप सुन रहे होंगे लगातार। और दूसरी तरफ ये चिट्ठी आई है और इस चिट्ठी में जो बाइडेन ने ये कहा है कि वो ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, और उन्होंने कहा कि ये अमेरिका के हित में लिया गया फैसला है, अमेरिका के हित में है कि वो चुनाव न लड़े। दरअसल जो बाइडेन की तबीयत खराब रहती है, अभी पिछले दिनों ही ये जानकारी दी गई थी व्हाइट हाउस की तरफ से कि जो बाइडेन को कोरोना हुआ है, वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले भी जो बाइडेन की तबीयत कई बार खराब रही है और इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है कि जो बाइडेन ने ये तय किया है कि वो अमेरिका का चुनाव नहीं लड़ेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रणय उपाध्याय जुड़े हुए हैं। प्रणय, जरा विस्तार से बताइए इस फैसले के पीछे क्या क्या चीजें अपनी चिट्ठी में जो बाइडेन ने लिखी हैं। देखिए, जो बाइडेन ने अब से थोड़ी देर पहले, करीब करीब 15 मिनट पहले, उन्होंने जो चिट्ठी ट्वीट की है, और ये लगातार इसकी आशंका जताई ही जा रही थी राम की, जो स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं उठ रही थी डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर जिस तरीके के सुर उठ रहे थे। लेकिन ये डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि जो बाइडेन अभी तक की जो चुनावी प्रक्रिया थी उसके अंदर उनके सबसे प्रबल दावेदार थे, और अगर वो बैकआउट करते हैं, क्योंकि आपको याद होगा राम, कुछ समय पहले जो पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई थी जिसमें जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में मुकाबला हुआ था, उसमें स्वाभाविक रूप से सामने आया था कि जो बाइडेन कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं, और लगातार पूरा जो कैंपेन चल रहा था डोनाल्ड ट्रंप के कैंप ने जिस तरीके से एक आक्रामक कैंपेन चला रखा था उनके खिलाफ उनके स्वास्थ्य को लेकर, तो उसके बाद जो चिट्ठी सामने आई है उसके अंदर जो बाइडेन ने कहा है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और ये जो चीज है, इसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो जाता है कि अब उनके बाद कौन, क्योंकि चर्चाएं चल रही हैं कि कमला हैरिस जो है वो उनकी जगह चुनाव लड़ सकती हैं, वो कैंडिडेट हो सकती है डेमोक्रेटिक पार्टी की। लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर जो कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि जो बाइडेन की और कमला हैरिस की पार्टी है, उसके भीतर भी इस चीज को लेकर अभी कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या कमला हैरिस ही उम्मीदवार होंगी। तो एक बड़ा संकट जो है वो यहाँ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। स्वास्थ्य एक बड़ा कारण बताया जा रहा है इस चिट्ठी के अंदर, जिसके अंदर जो बाइडेन ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें कहा है कि उन्होंने क्या क्या काम किया है, अमेरिका को किस तरीके से एक मजबूत इकोनॉमी के तौर पर उन्होंने बनाया है, तमाम अपनी जो राजनीतिक सफर है उसका उन्होंने जिक्र किया है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आई विल स्पीक टू द नेशन लेटर दिस वीक इन मोर डिटेल्स अबाउट माई डिसीजन, यानी वो एक राष्ट्र के नाम संदेश भी देंगे जिसके अंदर वो अपने इस फैसले के बारे में और बताने की कोशिश करेंगे। पिछले कुछ दिनों पहले उनका स्वास्थ्य जरूर खराब हुआ था और उसके बाद उन्होंने ये अपने आप को क्वारंटीन भी किया था, और उसके बाद अब ये चिट्ठी सामने आई है और उन्होंने कमला हैरिस का भी नाम लिया है, उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी पार्टनरशिप को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने उनके साथ मिलकर काम किया है, जो 4 साल का कार्यकाल रहा जो बाइडेन का, और उनकी उम्र को लेकर लगातार पहले भी सवाल खड़े हो रहे थे, स्वास्थ्य को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, और अब जो ये चिट्ठी सामने आई है उसके बाद से एक नया संकट जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी और उम्मीदवार के तौर पर उनकी उनके पूरी टीम के लिए होगा कि अब आखिर जो बाइडेन के बाद में कौन होगा उम्मीदवार और किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, और प्रणय, मैं आपसे ये चाहूंगा, क्योंकि आप वो लाइन पढ़ रहे थे, आई विल स्पीक टू द नेशन लेटर दिस वीक इन मोर डिटेल अबाउट माई डिसीजन, अगर चिट्ठी आपके पास है तो आप अनुवाद के साथ ये चिट्ठी पढ़ के बता सकते हैं कि क्या क्या चीजें इस लेटर में लिखी हैं जो बाइडेन ने, क्योंकि फैसला ये बहुत बड़ा है। कौन नहीं चाहता कि वो एक बार फिर से जो है अपने देश के राष्ट्रपति के तौर पर चुना जाए, कौन नहीं चाहता कि वो चुनाव लड़े, लेकिन जो बाइडेन अगर ये खुद फैसला कर रहे हैं, जबकि सबसे अहम वही है इस वक्त खुद राष्ट्रपति हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या है?
देखिए राम, इसमें जो करीब करीब 6 पैराग्राफ की ये पूरी चिट्ठी है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले तो देशवासियों के नाम ही चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा है कि करीब 3.5 दशक का उनका एक राजनीतिक सफर रहा है, जिसमें अमेरिका के लिए उन्होंने काम किया है, और साथ ही अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल के तौर पर उन्होंने कहा है कि जो अमेरिका इज द स्ट्रांगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था के तौर पर आज अमेरिका खड़ा है, और हमने कई ऐतिहासिक, हम इस चिट्ठी का जिक्र कर रहे हैं, क्या क्या चीजों के संकेत इसमें दिए हैं जो बाइडेन ने? देखिए अगर आप इस चिट्ठी को देखें तो इसके अंदर उन्होंने 30 पैराग्राफ के अंदर इस चीज का जिक्र किया, इट हैज बीन ग्रेटेस्ट ऑनर ऑफ माय लाइफ टू सर्व एज योर प्रेसिडेंट, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर जनता की सेवा करना उनका सबसे बड़ा सम्मान रहा है, इसका उन्होंने जिक्र किया है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा। रविंद्र सचदेव, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहता हूं, रविंद्र जी किस तरह देखते हैं इस निर्णय को जो बाइडेन ने जो लिया है? हेलो, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल रविंद्र जी बोलिए। हाँ देखिए, बिग पिक्चर में तो एक तरह से ये लगता है जैसे शेक्सपियर की ट्रेजेडी होती है ना, उस तरह का माहौल हुआ है अमेरिका में आज की तारीख में। जी ओके, वन डेफिनेटली यस। बाकी जी देखिए, बाइडेन का बहुत लंबा करियर है, 1970 में सेनेटर बन गए थे, 50 साल से थे एंड ऑल, बट आई थिंक अब की हालात ऐसे आ गए थे और अनफॉर्चुनेटली इसकी हेल्थ ऐसी होगी। जी देखिए, 80-82 साल का कोई भी शख्स इंडिया में भी अच्छा हेल्दी होता है, अमेरिका में भी बहुत हेल्दी होते हैं 90 साल तक। तो जो बाइडेन ने पत्र लिखकर इस बात का ऐलान किया है, और जो बाइडेन ने कहा कि वो अपने फैसले के बारे में कुछ देर के बाद बात भी करेंगे, इसी हफ्ते उन्होंने कहा कि वो बात करेंगे इस बारे में कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया है। रविंद्र सचदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी किस तरह देखते हैं इसके आगे की चीजें, क्योंकि जो बाइडेन की तबीयत को लेकर कुछ सवाल जरूर खड़े हो रहे थे। जी हाँ बिल्कुल खड़े हो रहे थे, और बड़ा एक पेचीदा मामला हो गया था। आई थिंक इसने वाइज डिसीजन लिया है, और ये डिसीजन आज नहीं तो हमें 3-4 दिन में, इस हफ्ते में हो जाना था, दैट इज वन। सेकेंड जो आपकी बात है आगे कैसे, लेट्स सी, अब इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस है कि डेमोक्रेट्स का प्रेजेंट कैंडिडेट कौन होगा। लॉजिकल एक तो बनती है कमला हैरिस, उसके कुछ कारण है, बाइडेन कोल्ड कारण है। बाइडेन कैंपेन के पास करीब 220 मिलियन डॉलर पैसा है जो वो अपने कैंपेन को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अगर कमला हैरिस नहीं हुई नेक्स्ट कैंडिडेट, तो वो 220 मिलियन एक अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा जो डायरेक्टली बेनिफिट ही करेगा, वो एक है। दूसरा, कमला हैरिस के फेवर में जो मामला जा रहा है वो जा रहा है कि वुमन है, और अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में हालांकि वो इंडियन ओरिजिन भी 50% है, बट वो अफ्रीकन अमेरिकन है, 50% और 50% इंडियन अमेरिकन। तो ये देखा जा रहा है कि कमला हैरिस को अगर हटाया गया, ये बात ही कमला हैरिस के फेवर में, बात ये कि अगर कमला हैरिस को हटाएंगे तो अफ्रीकन अमेरिकन वोट जो कि अमेरिका में करीब 14-20% है, और वुमेन का वोट वो कट जाएगा। देखा जाएगा कि डेमोक्रेटिक पार्टी विमेन और अफ्रीकन अमेरिकन विमेन को सपोर्ट नहीं करती है जब अल्टीमेट मामला आ गया प्रेसिडेंट के लिए, तो इसलिए कमला हैरिस के चांस ज्यादा बनते हैं कि वो टॉप हो जाएंगे टिकट में, वाइस प्रेसिडेंट कोई और होगा। बट यस, अभी डिपेंड करेगा डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी जो है उनकी, वो पूरा डिसाइड करेगी प्रोसेस, क्योंकि ये अमेरिकन हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड है, आज तक कभी नहीं हुआ अमेरिका की 250 साल की हिस्ट्री में कि लास्ट मिनट में जो प्रेसिडेंट था और वाइस प्रेसिडेंट है, पर प्रेसिडेंट ने बोला मैं लड़ूंगा नहीं, तो अब क्या होगा, इसका बहुत बड़ा चैलेंज होगा डेमोक्रेटिक पार्टी को। इसके पीछे क्या डेमोक्रेट्स के अंदर जो चल रहा था उसको भी एक तरह की, रविंद्र जी आप वजह मानते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि जो प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई इसके बाद ही कुछ इस तरह के सुर उठने लगे थे डेमोक्रेट्स के अंदर कि नहीं होना चाहिए। मुझे याद है कि टेक्सास के जो सांसद है लॉयड डॉगेट, उन्होंने ये खुलकर कहा था कि नहीं, अब बाइडेन को जो है वो थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। आप 100% करेक्ट हैं, ये उस डिबेट के बाद से मामला एक तरह से क्या को क्रम्बल डाउन शुरू होना शुरू हो गया। अब तक करीब अमेरिकन जो उनकी लोकसभा जैसे मानी हाउस है उसमें करीब 30-35 मेंबर्स बोल चुके हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के कि जो वी लव यू, बाइडेन को सब इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं, बहुत करा उसने, पर वो बोलते नाउ अब तुम स्टेप डाउन कर जाओ। और उनकी अपर हाउस जो सेनेट है उसमें भी अब 5-7 लोग बोले खुलेआम, और उधर ये भी था जो इनके पावर ब्रोकर्स हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के,
नैन्सी पेलोसी, हालांकि वो पावर में ज्यादा नहीं है, बट और बराक ओबामा वगैरह, हिलरी या बिल क्लिंटन, ये सब कॉमन सेंस से इनको लगने लगा है क्लियरली कि बाइडन अब इलेक्शन में जीत नहीं सकते, इनको नई ऊर्जा डालनी पड़ेगी, और नई ऊर्जा अगर आ गई तो होप हो सकती है, तो ट्रंप के खिलाफ एक बड़ा अच्छा हल्ला गुल्ला वाला कैंपेन और लड़ाई होगी। अगर बाइडन रहे तो लड़ाई ही नहीं होगी, तो इसलिए बाइडन का जाना तय था। यानी इस तरह से लग रहा था कि बाइडन का लड़ाना मतलब डेमोक्रेट्स का सरेंडर कर देना है। और क्या दूसरी तरफ जो जिस तरह से एसेसिनेशन की कोशिश हुई डोनाल्ड ट्रंप को, उनके कान को छूते हुए गोली निकल गई, क्या रविंद्र जी आपको लगता है कि उसके बाद से जो सिंपैथी उनकी तरफ झुक रही है, या इस घटना को जिस तरह से कैश करा रहे हैं ट्रंप और कैंपेन चला रहे हैं, उसका भी एक इम्पैक्ट है कि उतना ही एग्रेसिव कैंपेन अब डेमोक्रेट्स को भी चलाना पड़ेगा? जी हाँ, एब्सोल्युटली राइट। देखिए, सिंपैथी बनती है हमेशा, बट ट्रंप ने अपनी सिंपैथी को थोड़ा लूज भी कर दिया। आज उन्होंने जो अपनी स्पीच दी, फिर उन्होंने वैसी अपनी दी कि मैं आऊंगा तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, ये कम्युनिस्ट है, फैसिस्ट है, इनको मैं ये करूंगा। तो बट पॉइंट इसकी, ट्रंप का जो कैंपेन है बड़ा सुनियोजित, एक तरह से बड़ा स्मार्ट कैंपेन चल रहा है, और उसमें मोमेंटम आ गई है। एंड ऑफकोर्स ट्रंप के ऊपर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था उसको लेकर के, तो डेमोक्रेट्स को अब कोई गेम चेंज करनी है या थी, अगर नहीं करते तो जिस तरह का मोमेंटम चल रहा है, ट्रंप और मागा, इनकी जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मूवमेंट है, वो इनको रॉन्ग देती। अब पोटेंशियल ये है कि ये बदलेंगे, क्योंकि बाइडन को लेकर सब लोग आप पे एनर्जी होनी चाहिए, एंथुसियाज्म होना चाहिए। अगर बाइडन रहता जी, सॉरी, अगर बाइडन रहता तो वो ना कोई मोटिवेशन, ना कोई एनर्जी, ना कोई होप। अब ये है कि एक नई होप आई है डेमोक्रेटिक कैंपेन में। सारा दुनिया का मीडिया, अमेरिका का मीडिया ये देखेगा कि बाइडन और डेमोक्रेट्स में क्या हो रहा है, उनकी बातों को कैरी करेगा, तो इनको ऑक्सीजन मिलेगी और एक तरह से जुड़ने का मौका मिलेगा टू काउंटर ट्रंप। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है, लेकिन फिर भी आखिरी बात वही कि 81 साल की उम्र है और वो खुद जानते हैं कि इसके आगे चीज़ों को कैरी करना और पूरे सिस्टम को चलाना इतना आसान काम नहीं है। अमेरिका जैसे देश को, सबसे बड़ी सुपर पावर, वो अपनी चिट्ठी में भी इस चीज़ को लिख रहे हैं कि सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति, और इसको हम आगे लेकर गए हैं, लेकिन देश के हित में और आपके हित में, यानी कि अमेरिका के लोगों के हित में यह फैसला ले रहा हूं कि अब मैं आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा। और यह बहुत महत्वपूर्ण है ऐसे वक्त में जबकि चुनावी कैंपेन जो है वो जोर शोर से उठाए जा रहे हैं, और ऐसे वक्त में उम्मीदवार बदलेगा डेमोक्रेट्स का, जिनकी अभी सरकार अमेरिका में चल रही है। लेकिन जरा एक चीज और मैं जानना चाहता हूं सचदेव साहब, कि क्या कमला हैरिस, जिस तरह से आपने एलेबोरेट किया, कमला हैरिस पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकती हैं ट्रंप के सामने? बिल्कुल, इस समय जो चांसेस चल रहे हैं, बहुत ज्यादा चांस है कि कमला हैरिस कैंडिडेट हो जाएंगी। उसके दो तीन कारण है। एक कारण है कि सबसे सिंपल है कि प्रेसिडेंट हट गए, टिकट है ना बाइडन हैरिस। अगर बाइडन स्टेप डाउन हो गए और हैरिस को, तो वीपी को प्रेसिडेंट नहीं की माना जाए, तो वो आ जाएंगी क्विकली। और दूसरी बड़ी बात है पैसा, करीब $200 मिलियन इस कैंपेन के पास पैसा है। अगर हैरिस नहीं बनती कैंडिडेट, तो वो 220 मिलियन बाइडन कैंपेन के पास जो पैसा है वो डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वन, सेकेंडली, डेमोक्रेट्स को ये लग रहा है कि अफ्रीकन अमेरिकन काफी बड़ी तादाद में इनकी तरफ से हट रहे हैं, और विमेन और अबॉर्शन के इशू को लेकर के, तो अगर ये हैरिस को हटा देंगे तो वो जो बड़ी तबका है ना, जो अफ्रीकन अमेरिकन का, अफ्रीकन अमेरिकन वेमेन का, और जो एंटी अबॉर्शन और प्रो अबॉर्शन है, वो तबका ये सोचेगा कि डेमोक्रेट पार्टी ने हमें दगा दे दिया। तो हैरिस के चांस, अगर हम चांस देखें, और टाइम बहुत कम है, इनका कोई प्रोसेस नहीं है, हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ नहीं जी। और जो भी होंगे वो क्या करेंगे, उनमें से किसको सिलेक्ट किया जाए, कैसे सिलेक्ट किया जाए, बहुत बड़ी चुनौती है डेमोक्रेटिक पार्टी पे। तो कमला हैरिस का चांस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र सचदेव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अमेरिका के मामलों को बहुत विस्तार से दर्शकों को समझाने के लिए। बड़ी खबर यही है कि जो बाइडेन ने ऐलान कर दिया है कि वो ये चुनाव लड़ने नहीं जा रहे,